हेलो हाय नमस्कार। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मूवी का नाम है 12th फेल, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार के स्ट्रगलिंग लाइफ के ऊपर। अगर मूवी को मैं एक लाइन में रिव्यू करूँ तो मूवी में रिलेट 2022 एंड 2023 दोनों ईयर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी साबित हुई है। तो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। अरे पॉजिटिव पॉइंट्स का मूवी तो पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरी हुई है, तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। पहला पॉइंट आता है एक्टिंग, और एक्टिंग का बात हो विक्रांत मैसे सर का नाम नोट है, ऐसा हो नहीं सकता। बंदे ने हर मूवी में अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन आज तक अंडररेटेड रह गए हैं। इस मूवी में उनका जो एक्टिंग है, वो एक्टिंग उनको ज़रूर रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगी और अवार्ड्स भी दिलाएगी, ये मेरा गारंटी है। दूसरा पॉइंट पे आता है रॉ तरीके से स्टोरी को दिखाना, कि रियल लाइफ में जैसे सिचुएशंस थे, जैसे स्ट्रगल्स थे, वो पूरी तरह रॉ तरीके से मूवी में दिखाया गया है, विदाउट एनी मसाला डाल के, बिल्कुल मिलावट नहीं है, पूरी तरह रॉ तरीके से दिखाया गया, चाहे उनका फैमिली सिचुएशन से लेकर हो उनके लव लाइफ तक, एवरीथिंग पूरी तरह से रॉ तरीके से दिखाई गई, जो कि देखने में अच्छा लगता है। तीसरा आता है डायरेक्टर का मैजिक का। मूवी 2.5 घंटे का होकर भी आपको 1 मिनट के लिए बोर नहीं कराती, इसका सारा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर पे। इतने अच्छे से उसको दिखाया गया है कि 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी आपको मूवी बोर नहीं करती है। और आप कोई भी एज ग्रुप के हो, इस मूवी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे आप एक एस्पिरेंट हो, चाहे आप एक जॉब करने वाले हो, चाहे आप एक बुज़ुर्ग आदमी हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, आपको इस मूवी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ इस मूवी को ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा, और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा मूवी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए।